एक बहुत ही रोचक सवाल हमारे एक दर्शक श्री किशोर पाठक जी ने उपस्थित किया है। उनका सवाल का हार्द ये है कि उनके बेटे ने एक हाउसिंग लोन ली थी आज से कुछ अरसे पहले, और वो लोन को वो अपना इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे करके चुका रहे हैं। अब पाठक जी रिटायर हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि उनके जो रिटायरमेंट के फंड्स हैं उनमें से अगर वो कुछ फंड अपने बेटे को देते हैं तो बेटे की जो हाउसिंग लोन की लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो उसके कारण उसको स्वाभाविक फायदा इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी पेमेंट्स होगा। साथ साथ पाठक जी ये भी चाहते हैं कि उनका बेटा उनको कुछ इंटरेस्ट दे भी सही, क्योंकि पाठक जी की अपनी खुद की कोई ज़्यादा टैक्सेबल इनकम अब नहीं है। तो इसमें से दो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। सबसे पहले तो अगर एक हाउसिंग लोन को चुकाने के लिए अगर कोई टैक्स पेयर और एक नई लोन लेता है और वो नई लोन के अमाउंट से वो पुरानी लोन चुकाता है और उस पर जो इंटरेस्ट पेबल होता है, तो इसको इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन गिना जाएगा या नहीं सेक्शन 24 के तहत। और दूसरा इसका जो बाजू है पासू है ये है कि नेचुरली वो चाहते हैं कि भाई फादर एंड सन के बीच का रिश्ता है, बैंक का होता है तब तो बैंक को आपको वसूली पूरी उसी साल में उसकी डेट के हिसाब से उसका भुगतान करना पड़ता है। अब फादर जो है वो कहते हैं कि आप बेटे से मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा जरूर, मैं मेरी इनकम में भी वो जो अमाउंट हमने तय किया है और आमतौर से जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट से फादर अगर करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फादर और सन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर ऐसी एक अरेंजमेंट की जाती है कि बेटे को फादर कहते हैं कि भाई अभी तेरे को और इंस्टॉलमेंट वगैरह की लायबिलिटी भी भुगतान उसका चुकता करना है, तो मेरे को जो इंटरेस्ट तुम्हें देना है वो अपनी सहूलियत से अपनी कन्वीनियंस से आप देना। तो फादर ने अपने इनकम में ये दिखाया, बेटा चाहता है कि ये मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन लूं पर एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है, इट इज एन इंटरेस्ट पेबल, तो ये सेक्शन 24 के दायरे में मिलेगा या नहीं। तो ये दोनों सवालों को अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले तो एक सीबीडीटी का काफी पुराना 1969 का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 28, और तब से लेके मान लीजिए ये सेटल्ड पोजीशन है कि आपने एक हाउसिंग लोन की आपकी कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंडिविजुअल से आपने ली है और वो लोन का रीपेमेंट करने के लिए आपने और कोई लोन ली है, क्योंकि कई बार समझिए इवन बैंक लोन में जब इंटरेस्ट के पेमेंट रेट्स में फर्क होता है तो समटाइम्स यू मे फील इट्स स्ट्रेटेजिक एंड एडवांटेजेस कि आप एक नई लोन लो और पुरानी लोन को चुकते करो। तो जब ये पुरानी को चुकते करने के लिए आप नई लेते हो तो उसका भी इंटरेस्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, वेदर इट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्स या अपने कोई फादर मदर रिलेटिव या कोई फ्रेंड से भी लिया हो तो वो भी जो है वो बिल्कुल हाउसिंग लोन गिना जाएगा। सो द फर्स्ट आंसर टू मिस्टर पाठक इज यू हैव नथिंग टू वरी, योर सन कैन रीपे दैट लोन एंड आपकी जो लोन है उसका इंटरेस्ट उसको जरूर मिलेगा। सेकेंड एस्पेक्ट जो है कि आपके सन ने आपको इंटरेस्ट एक्चुअली पेमेंट किया नहीं है, आपने तो अपनी इनकम में दिखाया है,
दोस्तों सेक्शन 24 को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं भी सेक्शन में ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन अ हाउसिंग लोन। जो शब्द प्रयोग है द टर्मिनोलॉजी इज इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन। तो इंटरेस्ट पेबल है और जिसको ये पेबल है उसने तो अपनी इनकम में दिखाया है, इसलिए कोई पेबल के बारे में झगड़ा भी नहीं है। पर पेबल है, पेमेंट नहीं है। इसलिए मान लीजिए बेटा है वो अपने पिता के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहता है कि जब भी मेरी कन्वीनियंस होगी मैं आपको ये इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल का भुगतान करूंगा, पेमेंट करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।